दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा फोटो है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, चाहे उस फोटो का बैकग्राउंड प्लेन हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स बोले तो अगर उस फोटो के बैकग्राउंड में कोई बाग बगीचा हो, घर हो या फिर कुछ भी हो, किसी भी तरह के फोटो के बैकग्राउंड को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप YouTube के थंबनेल पे करेंगे या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट में करेंगे और उसके लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल है तो आप विंडोज 10 के इनबिल्ट एप्लीकेशन की मदद से किसी भी तरह के फोटो का बैकग्राउंड एक सेकेंड में रिमूव कर सकते हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, अपने किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको ना ही ऑनलाइन कुछ ढूंढने की जरूरत है और ना ही ऑफलाइन कुछ ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि आपके विंडोज 10 के अंदर ही एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह के फोटो के बैकग्राउंड को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ नीचे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और इसमें आपको टाइप करना है पेंट। पेंट टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पेंट 3D दिखेगा, इस पे क्लिक करके आपको इस पेंट 3D को ओपन कर लेना है। जब ये पेंट 3D ओपन हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू और दूसरा ऑप्शन मिलेगा ओपन का, आपको यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है और आपको अपने कंप्यूटर से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है। मेरे पास ये फोटो है जिसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया और कुछ ही सेकेंड में वो फोटो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस फोटो का बैकग्राउंड कितना कॉम्प्लेक्स है। मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ और आप इसका एक्यूरेसी देखिए। फोटो यहाँ आ जाने के बाद से दोस्तों अब आपको यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा मैजिक सिलेक्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको इस फोटो को ऐसे क्रॉप कर लेना है। ऐसे यहाँ पे क्रॉप करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कैंसिल नेक्स्ट, यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे ऐड और रिमूव का ऑप्शन है, आप इस पे जो भी ऐड और रिमूव करना चाहें कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे देखिए डन का ऑप्शन दिया है, आपको यहाँ डन पे क्लिक करना है। उसके बाद अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फोटो बैकग्राउंड से अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अलग हो गया, ये बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये फोटो इस बैकग्राउंड से अलग हो चुका है। जब ये बैकग्राउंड से अलग हो गया उसके बाद से यहाँ पे ऊपर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैनवस का, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है शो कैनवस, ये ऑन होगा, आपको इसको यहां से ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद आपको यहां ऊपर मेनू पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है, फिर आपको यहां इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां सेव करने से पहले यहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का, इसको आपको यहां से चेक मार्क कर देना है। अब उस फोटो का पूरा बैकग्राउंड यहां पे क्लियर हो जाएगा और उस अब आपको यहां पे सेव पे क्लिक करना है। आप जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पे अपने फोटो को यहां पे सेव कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस फोटो का जो बैकग्राउंड रिमूव हुआ है उसका एक्यूरेसी बिल्कुल 110% एक्यूरेसी है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।